जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी जी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बाबा बर्फानी जी की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे सभी भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पिछले वर्षों से मिल रही सभी सुविधाओं में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ओर से एक और नई सुविधा साल 2023 की यात्रा से भक्तों को मिलने वाली है। श्री अमरनाथ जी यात्रा की राह अब और भी आसान होने जा रही है। बालटाल से पवित्र गुफा को जोड़ने वाले एकमात्र रास्ते पर सड़क बनाने का कार्य चल रहा है। इस कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों का कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि बर्फबारी शुरू होने से पहले ज्यादातर कार्य को पूरा कर लिया जाए। अगले साल तक इस रोड को शुरू करने की पूरी योजना है। एडवांस्ड मशीनरी की मदद से इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल पहले टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कमी के चलते काम धीमी गति से चल रहा था। इसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सितंबर में सड़क के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का काम बीआरओ को सौंप दिया। 29 सितंबर से काम को फिर से शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत यात्रा ट्रैक को चौड़ा किया जाएगा, सक्रिय जगह और ढलान वाले स्थान की मरम्मत की जाएगी, खतरनाक जगह पर ट्रैक को नया रूप दिया जाएगा और फिसलन भरे स्थानों को ठीक किया जाएगा। जैसा कि अधिकतर भक्त जानते हैं कि अभी बालटाल से पवित्र गुफा तक जाने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। कई बार ट्रैक पर भक्तों की संख्या अधिक होने से 10 से 12 घंटे का भी समय लग जाता है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस नई चौड़ी रोड बनने के बाद भक्त लगभग 4 से 5 घंटे में बाबा जी की पवित्र गुफा पर पहुंच सकेंगे। पालटाल और पवित्र गुफा के बीच की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। डोमेल, बरारी और संगम टॉप से गुजरकर भक्त बाबा जी की पवित्र गुफा पर पहुंचते हैं। सैकड़ों मजदूर दर्जनों मशीनों के जरिए 10 से 12 घंटे एक साथ कई जगह काम कर रहे हैं। अब तक लगभग 4 किलोमीटर के शुरुआती हिस्से की कटिंग हो चुकी है। डोजर, रॉक ब्रेकर आदि भी लगाए गए हैं। डोमेल के आगे ऐसे भारी उपकरण और मशीनरी पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। लगभग 9 किलोमीटर के ट्रैक पर काम अभी भी बाकी है। जैसे जैसे मशीनें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे सारा ट्रैक तैयार हो जाएगा। बालटाल रूट पर रोड बनने के बाद यात्रा और भी सुरक्षित और आनंददायक हो जाएगी। इस नए रोड के बनने से भक्तों को क्या क्या सुविधाएं होंगी, आइए जानते हैं। इस रूट पर रोड बनने के बाद श्रद्धालु एक दिन से भी कम समय में बालटाल बेस कैंप वापस आ सकेंगे। हालांकि कई भक्त कच्चे रूट पर चलकर भी एक दिन में वापस लौट आते हैं, लेकिन खराब मौसम और लैंडस्लाइड के खतरे के चलते हर समय यह संभव नहीं हो पाता है। अभी बैटरी वाहन बालटाल से सिर्फ डोमेल तक जा पाते हैं, आगे ट्रैक ठीक नहीं है। पक्की रोड बनने के बाद बैटरी वाहन डोमेल से आगे भी जा सकेंगे। इसके अलावा अभी घोड़े, पिट्टू और पालकी वालों को सक्रिय रास्ते पर चलना पड़ता है, जिसकी वजह से जाम लग जाता है। रोड बनने के बाद जाम की समस्या कम हो जाएगी। ट्रैक पक्का बनने से किसी भी आपातकालीन स्थिति में बचाव दल जल्द से जल्द पहुंच सकेगा। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक केबल कार परियोजना पर भी काम चल रहा है। यदि सब कुछ सफलतापूर्वक समय से हो जाएगा तो उम्मीद है कि आगामी वर्ष में इसकी सुविधा भक्तों को मिल सकेगी। यदि आप भी आने वाले वर्षों में बाबा जी की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं और यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी जी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।